नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, अगर आपने पीओए सबमिट नहीं किया है स्टॉक्स में, तो अपने स्टॉक को आप डिलीवरी स्टॉक्स को कैसे सेल कर सकते हैं। दोस्तों, आप एक बात का ध्यान रख लेंगे, पीओए जो है सिर्फ डिलीवरी स्टॉक सेलिंग के लिए है। आप इंट्राडे कर सकते हैं, एफएनडो कर सकते हैं, कमोडिटी कर सकते हैं, करेंसी कर सकते हैं, इसके लिए आपको पीओए सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टॉक बाय करते हैं, उसको होल्ड करते हैं, उसके बाद आप सेल करना चाहते हैं, तो पीओए फॉर्म चाहिए। पीओए मतलब होता है पावर ऑफ अटर्नी। आप अपस्टॉक्स को अथॉरिटी देते हैं कि आप जो है जब भी मैं ऑर्डर सेल ऑर्डर प्लेस करूं, तो आप मेरे उस प्राइस पे जो है मेरे डीमैट से शेयर्स निकाल के मार्केट में सेल कर देना। अपस्टॉक्स जो है आपका डीमैट से शेयर्स निकालने के लिए आपका अथॉरिटी चाहता है, इसलिए उसको पीओए चाहिए सॉरी फिजिकली। अगर दोस्तों अगर आपने पीओए सेंड नहीं किया है और पीओए सेंड नहीं करना चाहते, पीओए कंपल्सन नहीं है दोस्तों, तो जो है आप ये प्रोसेस कर सकते हैं जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ईजी प्रोसेस है, सेम टू सेम करें, हो जाएगा आपका। दोस्तों यहाँ पे चले जाएं पोर्टफोलियो में। आप पोर्टफोलियो में दोस्तों यहाँ पे आपको सारे स्टॉक्स दिखेंगे, आपको कितने सारे मैंने स्टॉक लिए हुए हैं, कौन से प्रॉफिट में है, कौन से लॉस में है, आपको यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा। तो क्या करना है आपको दोस्तों, मुझे यहाँ पे एसबीआई निफ्टी बैंक दोस्तों ये का जो है एक स्टॉक सेल करना है। मैं दिखाता हूँ कैसे सेल होता है। तो मैंने 6 स्टॉक लिए हुए हैं, 115 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेल का ऑप्शन आएगा, सेल के ऑप्शन पे आप क्लिक करें, तो दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपके क्वांटिटी कितना है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्वांटिटी 6 दिख रहा होगा जितना आपका डीमैट में है। अगर आप सारा सेल करना चाहते हैं तो सारा सेल कर दें, मुझे यहाँ पे सिर्फ 1 क्वांटिटी सेल करना है, तो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी आपको सिंपल ही होगा। ऑर्डर टाइप दोस्तों मार्केट लिमिट में जो आपको लगाना है लगा दें, मैं मार्केट में ही सेल करना चाहता हूं तो मार्केट लगा दिया। प्रोडक्ट दोस्तों हमेशा डिलीवरी होगा क्योंकि आपके डीमैट से शेयर जा रहा है। वैलिडिटी दोस्तों डे ही होगा आपका। दोस्तों यहां पे मैंने रिव्यू पे क्लिक किया, तो देखें दोस्तों यहां पे आपको एक ओटीपी जाएगा मोबाइल नंबर पे, वो ओटीपी आपको यहां पे पुट करके वेरीफाई विथ ओटीपी क्लिक करना है, आपका जो शेयर ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। दोस्तों अभी तो ओटीपी का फैसिलिटी आ रहा है, सीडीएसएल का जो वेबसाइट है वो हैंग हो रहा है लास्ट 2 डेज से, बिकॉज जो है बहुत सारे जो नॉन पीओए इन्वेस्टर्स हैं वो वहां पे टीपिन जनरेट करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सीडीएसएल पिन आएगा कुछ दिन के बाद, तो आप एक पिन जनरेट कर लें। तो दोस्तों मैंने बताया हुआ कि पिन जनरेट कैसे करना है, आप वो जाकर वीडियो देख लें, वहां से जनरेट कर लें पिन सीडीएसएल से, वो पिन आपको बाद में यहाँ पे पूछा जाएगा। अभी तो ओटीपी से काम चल रहा है आपका, लेकिन बाद में जो है आपसे पिन पूछा जाएगा। दोस्तों अगर आपको पावर ऑफ अटर्नी सेंड करना है, तो मैंने पावर ऑफ अटर्नी का वीडियो बनाया हुआ है, जाके आप देख लें, वहां पे फॉर्म डाउनलोड करें, साइन करें और अपस्टॉक्स मुंबई ऑफिस सेंड कर दें। अगर आपको बार बार का ये झंझट नहीं चाहिए ओटीपी का या सीडीएसएल टीपिन का, तो आप कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कुछ होता नहीं है, आपको ना बार बार ओटीपी पिन देना नहीं होगा, तो बस ये बात का आप ध्यान रखेंगे और ऐसे करके जो है आपका जो है ऑर्डर आप सेल कर सकते हैं मार्केट में बिना पीओए सबमिट किए हुए भी। तो दोस्तों बस यही सिंपल प्रोसेस था। अभी आपसे ओटीपी मांग रहा होगा जो आपके मोबाइल नंबर पे गया होगा, ओटीपी आप पुट कर दें, नहीं तो सीडीएसएल टीपिन मांगेगा, सीडीएसएल टीपिन आप पुट कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों बस सिंपल ऐसे ही ऑर्डर सेल करना है आपको। इंट्राडे के लिए, कमोडिटी के लिए, करेंसी के लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए आपको पीओए नहीं चाहिए। आप जो भी ऑर्डर बाई करेंगे वो आपका सेल हो जाएगा। दोस्तों जो भी आप ऑर्डर बाई करते हैं, जैसे करेंसी हो गया, कमोडिटी हो गया और फिर आपका एफएनडो हो गया, वो आपको होल्डिंग्स में नहीं दिखता। होल्डिंग्स में जो आपके डीमैट में शेयर्स हैं वही दिखेंगे, आपको पोजीशंस में दिखेगा सब कुछ, सब कुछ पोजीशंस में दिखेगा, एमटीएफ हो गया। तो दोस्तों आपको सारे ऑर्डर जो है पोजीशंस में दिखेंगे, यहाँ पोजीशंस में दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखें डिलीवरी जो है सेल हुआ है। अगर दोस्तों यहाँ पे एमआईएस होगा तो एमआईएस आपको स्क्वायर ऑफ करना होगा या सिस्टम खुद ब खुद स्क्वायर ऑफ कर देगी आपका, उसका टेंशन नहीं है। तो देखें दोस्तों डिलीवरी में था, दोस्तों इसके पास जो है 73 क्वांटिटी था, उसमें से 45 क्वांटिटी सेल किया है। आपको देखना है तो ऑर्डर्स में चले जाएं, यहाँ पे देखें 20 क्वांटिटी सेल किया है 417 पे, 25 क्वांटिटी सेल किया है 419 पे, तो ये दोनों ऑर्डर निकाल दिया है। बाकी इसके जो पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स हैं अभी भी 28 क्वांटिटी बच रहे हैं, इसमें अभी 1000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, 1100 का पहले इसने प्रॉफिट बुक कर लिया है कुछ। तो दोस्तों ऐसे करके जो है आप देख सकते हैं, आपको पता चल गया होगा पीओ का काम क्या है, सिर्फ डिलीवरी स्टॉक सेल करना है। अगर ये भी दोस्तों पीओ सेंड नहीं किया हुआ है तो इसको बस ओटीपी से जो है अपना काम चला रहा है। जैसे ही ये कोविड का जो सिचुएशन है वो ओवर होता है, ये जो है पीओ सेंड कर देगा आप स्टॉक्स मुंबई ऑफिस में, तो ये बार बार ओटीपी का और टीपिन का झंझट इसको नहीं रहेगा। तो दोस्तों ऐसे करके जो है आप जो भी ट्रेड करेंगे ऑर्डर्स में जाके देख लें इंट्राडे के लिए, और बाकी जो होगा पोजीशंस में देख लें दोस्तों। और आपका करेंसी, कमोडिटी, एफएनडो और जो है सब वो सब ऑर्डर आपको यहाँ पे दिखेगा पोजीशंस में, वो होल्डिंग्स में नहीं दिखेगा। पोजीशंस में जाके आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए माइनस क्यों दिख रहा है इसका, आप यहाँ पे देखेंगे
ऑर्डर्स में बहुत से लोगों का क्वेश्चन आ रहा है। देखें अभी 432 पे दोस्तों अभी इसने निकाल दिया 28 क्वांटिटी, अभी इसने निकाल दिया मतलब पूरा का पूरा एग्जिट कर दिया है। यहाँ पे पोर्टफोलियो में जाएंगे आप होल्डिंग्स में, देखिए यहाँ पे इंडसइंड बैंक जीरो दिख रहा है, तो इसने पूरा 2500 का जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया पूरा। देखिए दोस्तों आपका यहाँ पे 419 पे इसने सेल किया था वो चला गया 432, इसीलिए आपको पोर्टफोलियो में जो है यहाँ पे लॉस दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों ये आपका लॉस नहीं है, जो आपका होल्डिंग्स में शेयर था वो आपने ऑटोमेटिक सेल कर दिया, 73 क्वांटिटी आपके होल्डिंग्स में था वो आपने सेल कर दिया, यहाँ पे देखिए जीरो हो गया, वो आपने सेल कर दिया। अब जितना मार्केट ऊपर जाएगा वो आपका लॉस दिखाएगा, मतलब अगर मान लो आप उस टाइम तक वेट करते तो आपको इतना प्रॉफिट होता, अगर मान लो ये 73 क्वांटिटी अभी सेल करता तो इसको 677 रुपीज़ का और प्रॉफिट होता, लेकिन ये आपका लॉस नहीं है, ये आपका कोटेशनल लॉस है जो दिखाएगा मार्केट ऊपर गया तो नेगेटिव, मार्केट नीचे गया तो पॉजिटिव। तो दोस्तों इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपने जो होल्डिंग्स में शेयर था आपका वो आपने सेल कर दिया, ये आपका स्क्वायर ऑफ नहीं होगा। जैसे ही मार्केट क्लोज होगा 73 क्वांटिटी आपके होल्डिंग से निकल जाएगा, जो भी आपका सेटलमेंट होगा गवर्नमेंट टैक्स और ब्रोकरेज काट के, वो आपका पैसा जो है अगले दिन फंड्स में चला आएगा, यहाँ पे दिखने लगेगा दोस्तों। और दोस्तों कुछ भी क्वेरी हो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और दोस्तों ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, किसी भी हेल्प और सपोर्ट के लिए आप कोशिश करें दोस्तों उसी लिंक से ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करें। और दोस्तों अगर आपने पहले ही ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है तो अपने दोस्तों को फैमिली मेंबर को हेल्प करें उस लिंक के थ्रू ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करने में। और दोस्तों कुछ भी सहायता हो क्वेरी हो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम नंबर पर, आपको सारे क्वेरी का सॉल्यूशन मिलेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें नए नए वीडियोस के लिए दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।